हेलो फ्रेंड्स, मित्तल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे आप घर में इजीली बना सकते हो। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1/2 लीटर मिल्क और 2 से 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हो। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 10 वाली 2 डेयरी मिल्क। आप चाहो तो 1 डेयरी मिल्क भी दे सकते हो, बट मैंने इसे पूरा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें 2 डाला है। 1 डेयरी मिल्क देने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से चला दिया ताकि ये नीचे लगे ना। उसके बाद मैंने इसमें 2 पैकेट भी डाल दिया। डेयरी मिल्क देने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए चलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। 5-7 मिनट चलाने के बाद जब बैटर थोड़ा ठीक होने लगे तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस डाल दें। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और जब बैटर ठंडा हो जाए तो इसे किसी मोल्ड में डालकर 5-7 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें 1 पार्ट में चॉकलेट चिप्स डाला है और 1 को विदाउट चॉकलेट चिप्स कवर किया है। आप चाहो तो ऐसे भी जमा सकते हो। अगर आपके पास घर पे चॉकलेट चिप्स अवेलेबल हो तो दे दें, अगर ना हो तो छोड़ दें। हमारा चॉकलेट आइसक्रीम बनकर रेडी है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे 1 प्लेट में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप कब इसे ट्राई कर रहे हो।